सब्सक्राइब कीजिए डेली ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। और भाई थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अल्जीरिया 2.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर दुनिया के 10वां सबसे बड़ा देश है जो फर्स्ट 10 में एकमात्र अफ्रीकी देश है। भूमध्य सागर कोस्टलाइन 998 किलोमीटर लंबी है। देश का 90% हिस्सा रेगिस्तान है और इसके बहुत से रेगिस्तानी पार्ट बहुत ऊंचा है। बताओ एटलस माउंटेन श्रृंखला देश की उत्तरी सीमा के साथ चलती है। कजाकिस्तान 2.79 लाख वर्ग किलोमीटर विशाल मैदानों और पहाड़ी इलाकों पर फैला है। एक शांत और शुष्क लेकिन रेगिस्तान की तरह नहीं, इस प्रकार का मौसम वर्ष के अधिकांश समय रहता है। कजाकिस्तान पूरे वर्ष एक अच्छा जलवायु का एक्सपीरियंस करता है। हालांकि कजाकिस्तान अपने उत्तरी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म है। कजाकिस्तान शीर्ष 10 में एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। के 32वें सबसे अधिक आबादी वाला देश अर्जेंटीना दुनिया के 8वें सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े स्पेनिश भाषी राष्ट्र है। इसके 2.78 मिलियन वर्ग किलोमीटर में दुनिया के सबसे विविध भूगोल और जलवायु शामिल हैं। शताब्दी में भारत की सीमाएं कई बार बदली हैं और फिर भी भारत 3.29 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है। सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल प्रत्येक भारत के साथ एक सीमा को साझा करते हैं और इसकी भूगोल विशाल हिमालय पर्वत से दक्षिणी प्रायद्वीप के उष्णकटिबंधीय तटों तक होती है। भूगर्भिक रूप से भारत अपने उपमहाद्वीप में पाया जाता है। बीच लगभग 4.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अंतर है। ऑस्ट्रेलिया 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास भारत के आकार से डबल से अधिक है। यह दूर तक ओशिनिया में सबसे बड़ा देश है। तकनीकी रूप से यह बहुत बड़ा है कि यह एक द्वीप के रूप में भी योग्य नहीं है, यह एक महाद्वीपीय भूमि है। इसकी आबादी का विशाल बहुमत तटीय शहरों में पूर्व में सिडनी और पश्चिम में पैर्थ में रहते हैं, और अच्छे कारण के साथ ऑस्ट्रेलिया आउटबैक दुनिया का सबसे सूखा और सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है। अत्यधिक जलवायु और भूगोल के साथ ऑस्ट्रेलिया अपने शानदार और अक्सर घातक वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। .51 मिलियन वर्ग किलोमीटर ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेजोन है। अमेजोन इतना घने और विशाल है कि खोजकर्ता और वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे जनजातियों के भीतर मानव सभ्यताओं को पाया है कि बाहर की दुनिया के साथ संपर्क कभी नहीं किया था। फिर भी इन विशेषज्ञों का मानना है कि वहाँ अधिक अनदेखी जनजातियाँ रह सकती हैं जो अभी भी अनजान है। ब्राजील में पूर्वी हिस्से पर एक लंबा अटलांटिक तट भी है जो लगभग 8000 किलोमीटर रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो सहित इसके प्रमुख शहरों में से अधिकांश इस तट रेखा के साथ बनाया गया था। चाइना, यूएसए और कनाडा 61 वर्ल्ड की सतह के 17% से थोड़ा कम कब्जा करते हैं। इन तीन में से चीन सबसे छोटा है, सिर्फ मुश्किल से लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यह 14 अलग अलग देशों के साथ एक सीमा को साझा करता है जिनमें अफगानिस्तान, पूर्व में उत्तर में रूस और दक्षिण में वियतनाम शामिल है।
इसकी जलवायु और इसके लोग नाटकीय ढंग से भिन्न होते हैं। उत्तर में तापमान उपमहाद्वीप के स्तर तक पहुंच जाता है। देश का केंद्र गोबी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान रखता है और दक्षिण तापमान में नियमित रूप से उष्णकटिबंधीय स्तर तक पहुंच जाते हैं। 1.35 अरब से अधिक नागरिकों के साथ चीन 56 मान्यता प्राप्त जातीय समूहों का घर है। दुनिया की 18 सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी, 19 सबसे बड़ी ईसाई आबादी है और 1.9 डॉक्टर प्रति 1000 लोगों के साथ चीन में कतर की पूरी आबादी की तुलना में अधिक डॉक्टर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो चीन की तुलना में बड़ा है लेकिन कनाडा की तुलना में थोड़ी छोटी है, 9.63 मिलियन वर्ग किलोमीटर में रहता है। दक्षिण में मेक्सिकोटो और उत्तर में कनाडा की तरफ से संयुक्त राज्य भूगोल और वन्य जीवों की एक विविध श्रेणी का घर है। कनाडा का 9.984 मिलियन वर्ग किलोमीटर यह पश्चिमी वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश बना देता है और इसके 202,080 किलोमीटर समुद्र तट का मतलब है कि इसका किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लंबी दूरी है। 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी घनत्व के साथ इसका मतलब है कि प्रत्येक कनाडा के 35 मिलियन लोगों को 61 एकड़ जमीन मिल सकती है। Russia's 17.1 million square kilometers easily make it the world's largest country by area. In fact, if Russia were to lop off 7 million square kilometers, it would still be the largest, and the lopped off section would rank 7th overall. Like China, Russia borders 14 different countries. Unlike China, none of Russia is tropical, though humid summers prevail in much of southern Russia. The taiga, the world's largest terrestrial biome, extends all the way from eastern Canada throughout the vast majority of northern Russia. Massive oil reserves exist underneath Russia's frozen forests and tundra. However, due to the expense and difficulty of extracting it, much of Russia's oil wealth remains untapped.